सो गाइस हम फाइनली आ चुके हैं BGMI मतलब बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में, जो अपने भारत की तरफ से मतलब हमारे भारत की तरफ से लॉन्च हुआ गेम है। तो इसे प्ले करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या इसमें नई नई चीज़ें हमें देखने को मिलती है। सो गाइस इसमें पबजी की तरह जो प्रोसेस चलता था सेम प्रोसेस BGMI में भी दिखाया गया है। डाउनलोडिंग 619 MB का आया है, तो इसे डाउनलोड करते हैं। भाई ये अपने भारत की तरफ से आया हुआ गेम है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही, जहाँ तक मुझे लगता है कुछ तो अलग दिया ही होगा। तो डाउनलोड करते हैं इस गेम को। डाउनलोडिंग स्पीड थी भाई थोड़ी कम है मेरी, इसलिए थोड़ा स्लो हो रहा है, तो मैं थोड़ी सी वीडियो तेज कर दे रहा हूँ, तब तक डाउनलोड हो जाए तो गेम को, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर है। तो गाइस हमारा गेम डाउनलोड हो चुका है और फिर से रीस्टार्ट होके हमारा गेम खुल रहा है, तो बिना देरी के इसे लॉगिन करते हैं। उसके बाद फिर अपना जो नाम मोम है वो डालेंगे, जो पबजी में नाम यार है और किसका नाम, फिर उसके बाद देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। गेम को ओपन करते ही सबसे पहले हमें कुछ इस तरह का सीन देखने को मिलता है। Drag forward with your left hand to move towards the target. Swipe the screen with your right hand to control where you're looking. Next, pick up the firearm. Pick up the ammo. There's the target. Tap right fire button to shoot. Congratulations on defeating your enemies. Check the crate. Pick up the scope. The enemy is too far. Use the sight. Tap left fire button to shoot. You took them down. Not great work. Let's take a look at the rewards. Check the crate. Pick up the supply. Health recovery items. The bandage can only restore up to 75 points of health. The blue zone has appeared. The flashing blue area is the blue zone. You will continuously lose health if you... The flashing yellow area is the current play zone. So guys, आपने ध्यान दिया जब हम बंदे को बुलेट मार रहे तो बंदे को पे जो बुलेट लग रही है उसका कुछ अलग ही इफेक्ट देखने को मिल रहा है। PUBG में ऐसा था मतलब बुलेट मारो तो ब्लड की तरह इफेक्ट देखने को मिलता था, लेकिन इसमें अलग ही इफेक्ट है। और भाई देखते ही देखते हमने BGMI की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद सीधा ही हम लोग आ गए। Congratulations on completing this training. Head over to the main lobby to claim your reward and test your skills in a real match. सबसे पहले गेम खोलते कुछ ऐसा सीन देखने को मिलता है, मतलब वॉलपेपर जो गेम का था वो थोड़ा बहुत ही अलग कर दिया, थोड़ा ही नहीं बहुत ही अलग कर दिया। तो एक कपड़े मिलते हैं जो टाइमर है भाई, मतलब पबजी में भी यही हाल था कि टाइमर दे जाता, तो इसमें भी टाइमर ही दे रहा है भाई, क्या ग्लिच है। सो गाइस सबसे पहले इसने मुझे मैच ऑन करने को कहा, तो मैंने मैच ऑन किया, उसके बाद देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। तो मैच स्टार्ट होने वाला है, थोड़ा टाइमिंग लग रहा है पता नहीं क्यों। भाई इसमें सब कुछ सेम ही किया गया है, मतलब खेलने में भी वही मज़ा आएगा जो पुराने वाले की तरह आता था। तो देखते हैं क्या क्या इसमें और नया नया देखने को मिलता है हमें। तो भाई मैच खुलते ही सबसे पहले हमें ये सबसे अलग चीज़ देखने को मिलता है जो BGMI में ही आया है। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation. Take frequent breaks and play responsibly.
तो भाई पबजी मोबाइल में पहले बोलता था कि वेलकम टू पबजी मोबाइल, लेकिन इसमें पहले ही आते इसने कहा कि ये जो गेम है ये वर्चुअल रियलिटी नहीं है, इसमें मतलब जो भी चीज़ें हैं सब वर्चुअल है, इसको रियलिटी में मत लेना कि मतलब कि इसमें किल मार रहे तो रियलिटी में जाकर ठोंक दी किसी को, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं देखने को मिल रहा। मतलब कि इसने खुद ही बताया है कि ये जो गेम है एक वर्चुअल है, रियलिटी नहीं है भाई। तो गाइस ये अच्छी बात है कि इसने मतलब पहले ही बता दिया, वरना भाई यार सब लोग अलग अलग ही सोच लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, अपना भारत का गेम है तो इतना तो देना इसका बनता ही है कि ये सब बता ही दे, कोई बात नहीं। तो आगे देखते हैं आगे क्या क्या इसमें नया नया चीज़ देखने को मिलता है हमें। सो गाइस हमें जो भी चीज़ देखना है तो हम पहले थोड़ी ना प्लेन से ही सब कुछ चीज़ देखेंगे, इसीलिए हम नीचे उतरते हैं, सोचते हैं चलो जॉर्जिया उतरेंगे, वहाँ बंदे वंदे अगर आ जाएँ तो अच्छी बात है, तो देखेंगे कि क्या क्या नया नया चीज़ देखने को मिलता है, या बंदे के ऊपर देखने को मिलेगा या तो इसमें कुछ अलग चेंजिंग किया गया है जहाँ पे हम लोग उतर रहे हैं। तो उतरते ही हमें ज़्यादा कुछ अलग दिखाई नहीं जाता, मतलब सब कुछ तो सेम ही है भाई, कुछ भी अलग नहीं किया गया, ये भी अच्छी बात है क्योंकि मतलब अलग रहेगा तब भी अच्छी बात है, नहीं रहेगा तो भी सही है यार। तो गाइस इस वीडियो में हम मैच खेल के नहीं दिखाएंगे, बस देखेंगे कि इसमें क्या क्या अलग अलग चीज़ें आई हैं अपनी BGMI में। सो गाइस जो अपना BGMI गेम है इसमें जो बंदे आएंगे ये भारत के ही रहेंगे, कहीं अलग से बाहर से नहीं आएंगे ये लोग, ये भी ठीक ही है भाई, कोई भी बुरी चीज़ नहीं है। तो भाई लूटपाट करके यहाँ से जब हम लोग नीचे उतरे तो मतलब मैंने कहा कि इसमें सिर्फ इंडिया के ही प्लेयर आएंगे, कोई बाहर से नहीं आएंगे। तो भाई यहाँ से जब लोग हम यहाँ आए तो यहाँ पे एक बंदी को हमने मारा, तो भाई ये भाई इसका नाम देखो, ये जैसे लग रहा है ये देखो नाम इसका, तो भाई इस बंदे का नाम था मनु शर्मा, ये भी इंडियन ही प्लेयर है नाम से लग रहा है भाई, पता नहीं बॉट था कि बंदा था ये पता नहीं चला। सो गाइस इसमें जो सेटिंग है हमने कुछ भी सेटिंग वेटिंग किया नहीं है, बस इसमें देखने आए थे कि इसमें क्या क्या नई नई चीज़ें आई हैं, मतलब क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते, कुछ भी बस यही सब देखने आए थे और कुछ भी नहीं देखने आए थे भाई। तो भाई बिना सेटिंग के खेलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो भाई जहाँ तक का लग रहा है कि अभी मेरे गेम में जो मैंने अभी डाउनलोड किया है BGMI, इसमें लग रहा है कि अभी बॉट ही बॉट भरे हुए हैं, मतलब अगर आप खेलेंगे तो आपको केडी बढ़ाने में बहुत ही मज़ा आएगा। और भाई इसमें एक चीज़ और मतलब अलग दी गई है, जब इसमें प्ले जोन दिखता है तो मतलब इसमें अलग तरीके से हमें बताया जाता है कि प्ले जोन ऑन हुआ है, देखो भाई। सो गाइस इसमें ये भी अलग चीज़ दी गई, जब हम बंदे को किल करते हैं तो यहाँ किल की जगह पर फिनिश लिखा हुआ दिखाई देता है, तो भाई ये भी एक अच्छी बात है। जब हमने मैचिंग किया तो इसमें पहले ही बता दिया गया था कि ये जो गेम है ये वर्चुअल है, रियलिटी में इससे कोई भी संबंध नहीं रखा गया है, तो ये भी एक अच्छी बात है भाई। तो गाइस अभी ये गेम नया है इसी कारण इसमें थोड़ी ज़्यादा बॉट वॉट आ रहे हैं, तो इससे कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि किल तो मिलेंगे ही, बॉट आए चाहे बंदे आए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गाइस इसमें मुझे एक बात बहुत ही अलग लग रही, जब हम बंदे को बुलेट मार रहे हैं तो इसमें से मतलब ब्लड इफेक्ट की जगह जिसमें से पता नहीं क्या निकल रहा है, ये भी मतलब देखने में अच्छा ही लग रहा है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन भाई जब इसमें इतने बॉट आ रहे हैं तो हम अगर हेडफोन लगा के खेलेंगे ना भाई तो आप समझ नहीं सकते हो, इतनी साउंड आ रही है कि हेडफोन लगाने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन उसमें कोई दिक्कत है नहीं, किल मिलेंगे भाई, किल ही मिलेंगे और क्या बताऊँ मैं, पता नहीं कितने बॉट आ रहे हैं, एक मैच में लगता है 70-18 कह रहा हूँ 50-60 किल तो हो ही जाएंगे आराम से, क्या बोकल मारो भाई। लेकिन भाई अपने जो मतलब गेम है सब चीज़ें इसमें सही दिखाई गई, कोई इसमें दिक्कत है नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं, सब सेम है भाई, बुलेट जितना मारो जितना पबजी में मारना था उसमें इसमें भी उतना ही बुलेट मारना है, कोई ज़्यादा बुलेट नहीं ना कोई ज़्यादा कम बुलेट नहीं मारना, ग्राफिक्स भी इसकी सही दिखाई गई है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप खेलोगे आपको फीलिंग नहीं होगा कि आप BGMI खेल रहे हो कि पबजी खेल रहे हो। और भाई इसमें चाहे तुम बग्गी चलाओ चाहे डासिया चलाओ, इसमें मतलब जो सेटिंग दी रहती है कि आप गाड़ी चला रहे हो तो जो सेटिंग दी रहती है चलाने के लिए ऑप्शन दिया रहता है, इसमें भी सेम है, कोई चेंजिंग नहीं हुई है, आपको भी ये देखने मतलब फीलिंग ऐसी नहीं आएगी कि अलग चीज़ दी गई है, तो ये भी ठीक ही है, कोई दिक्कत है नहीं। और भाई इसमें एक चीज़ और नोटिस करने वाली, जब आप इसमें बंदे फिनिश करोगे पूरे बंदे को ख़त्म करोगे तो भाई इसमें बंदा जैसे मरता था वैसे बंदा नहीं मरेगा, तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, देखो यहाँ पे बंदा मरा पता चला,
इसमें एक चीज़ और, इसमें किलिंग इफेक्ट नहीं दिखाया गया है। और भाई जब इसमें आप बंदे मारोगे तो मतलब पूरा बंदा जब आप फिनिश करोगे तो बंदे दिखेंगे नहीं, मतलब जैसे पबजी में था बंदे मारे आप तो बंदे दिखते हैं कि मर गया पूरा खड़ा हो गया, भाई इसमें तुरंत ही बंदे की पेट ही बन जाएगी। तो भाई सोचते हैं कि सब बॉट आए तो हम खड़े होकर इस एक बंदे की पेटी बनाने लगते, तब तक भाई इसमें एक रियल बंदा निकलता है जो हमारी पेटी बनाता है। अब भाई इसमें एक बात नोटिस करोगी तो जब हमें बंदा मारेगा तो भाई जैसे हम पबजी में मरते हुए दिखते थे वैसे इसमें नहीं दिखेगा, इसमें आपको बंदा मारेगा आप तुरंत ही, मतलब जब आपको बंदा फिनिश करेगा तो आप तुरंत ही पेटी बन जाओगे, मतलब किल नहीं दिखेगा कि किल हो गए। देखो भाई मैं किल हुआ पता नहीं चला, तुरंत ही मेरी पेटी बन गई। और भाई इसमें कोई ज़्यादा चीज दी नहीं गई है, बस इतना ही दिया गया है, आगे दिया होगा तो आगे वीडियो में आपको मतलब गेम खेलोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, सब चीज़ें सेम है पबजी की तरह एकदम सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप खेलोगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। अगर भाई आपको ये वीडियो किसी भी पार्ट से अगर आपको पसंद आती है तो भाई एक लाइक करना मत भूलना, और भाई आईपैड में गेमिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।